So children, now we will discuss about worksheets or assignments. First of all, English worksheets are there. This is the first worksheet of English. That is, write the missing vowel. यहाँ पे आपको blank दिए हुए हैं. In blanks में आपको vowel use करना है with the help of these pictures. पिक्चर दी हुई है सामने, आपने उनको देख के एक नया वर्ड बनाना है. क्या यूज करके? वॉवल यूज करके. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज सी डैश आर, और सामने पिक्चर क्या बनी हुई है? कार. तो हम क्या राइट करेंगे ब्लैंक में? ए, सी ए आर, कार. ओके, दिस इज सेकेंड वर्कशीट. That is reading comprehension. ठीक है, आपको ये पैसेज दिया हुआ है, माई हाउस, हाउस के ऊपर ये पैसेज है, और नीचे इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपने इनके आंसर क्या करने हैं इस पैसेज में से फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे राइट करने हैं ब्लैंक्स में. दिस इज थर्ड वर्कशीट, पर्सन प्लेस एंड थिंग. कलर द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. यहाँ पे आपको पिक्चर बनी हुई दी है और सामने पर्सन प्लेस और थिंग राइट किया हुआ है. अगर वो पिक्चर पर्सन की है तो पर्सन वाले कॉलम को क्या करना है? आपने कलर कर देना है. अगर वो किसी प्लेस की पिक्चर है तो प्लेस वाले कॉलम को आपने कलर करना है. अगर वो पिक्चर किसी थिंग की है तो आपने उस थिंग वाले बॉक्स को क्या करना है? कलर करना है. नेक्स्ट इज सेंटेंस बिल्डिंग. यहाँ पे आपको जंबल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, जंबल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं. आपने इन वर्ड्स को अरेंज करके क्या करना है? एक सेंटेंस फ्रेम करना है. लाइक अ, एम, आई, स्टूडेंट. ठीक है, आपने इसे सेंटेंस फ्रेम करना है, इनको अरेंज करना है. क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम अ स्टूडेंट. अंडरस्टूड? नाउ हिंदी वर्कशीट्स आर देयर. दिस इज फॉर फर्स्ट वर्कशीट ऑफ हिंदी, अर्थपूर्ण वाक्य. नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं. यहाँ पे भी क्या है, हिंदी में आपको जंबल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे पीछे करके वर्ड्स दिए हुए हैं. आपने इन वर्ड्स को क्रम में राइट करना है, आपने अरेंज करके राइट करना है. जैसे फर्स्ट करके दिया हुआ है, जल पर चल कर नल भर. ठीक है, इसको अरेंज करके हमने क्या बनाया है? नल पर चल कर जल भर. ऐसे ही आपको ये सारे सेंटेंस, सारे वाक्य राइट करने हैं. नेक्स्ट इज हर पंक्ति में जो अलग है उस पर क्रॉस लगाओ. यहाँ पे हर लाइन में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से एक वर्ड ऑड है, अलग है, उस पर क्या करना है? क्रॉस कर देना है. जैसे पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, बस्ता. पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, ये सेम वर्ड है. ये तीनों वर्ड स्कूल के लिए यूज होते हैं, बट अलग वर्ड कौन सा है? बस्ता. तो इसको आप क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे. और नीचे अब लिखो में क्या है? जो सेम वर्ड है वो इन ब्लैंक्स में क्या करने हैं? राइट करने हैं. जैसे पाठशाला से के सेम वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड कौन से हैं? स्कूल, विद्यालय. ऐसे ही आपको आगे नमस्ते, गुलाब, बगीचा और मेज के सेम मीनिंग वर्ड राइट करना. नेक्स्ट वर्कशीट इज पिता पर 5 वाक्य लिखिए. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फादर की पिक्चर बनी हुई है विद द चाइल्ड. ठीक है, बच्चे के साथ पिता की फोटो बनी हुई है. आपने पिता के ऊपर 5 वाक्य राइट करने हैं. यहाँ पे आपको 5 लाइंस दी हुई हैं. इन लाइंस में ही आपको क्या करना है? 5 वाक्य राइट करने. नेक्स्ट है शब्द सीढ़ी बनाइए. आपको ऊपर
बॉक्सेस में शब्द दिए हुए हैं और नीचे खाली बॉक्सेस दिए हुए हैं। फर्स्ट बॉक्स में लिखा है किताब, ठीक है। शब्द सीढ़ी बनानी है आपको, जो वर्ड का लास्ट लेटर है, लास्ट अक्षर है, जैसे किताब, किताब का लास्ट वर्ड कौन सा है? ब। आगे ऊपर से देख के आपने हेल्प बॉक्स में से ब से जो स्टार्ट हो रहा है वर्ड वो राइट करना है। जैसे किताब, किताब वर्ड जो है ब से खत्म हो रहा है, तो ब से ऊपर कौन सा वर्ड है? बतख। तो नेक्स्ट बॉक्स में बतख राइट करोगे। बतख वर्ड ख से खत्म हो रहा है, फिर आपको क्या करना है? ख से जो वर्ड स्टार्ट होता है वो राइट करना है। ऐसे ही आपको ये सीढ़ी कंप्लीट करनी है, वर्ड के लास्ट लेटर से जो वर्ड है उसको आगे आगे आपने राइट करते जाना है। नाउ मैथ्स वर्कशीट्स आर देयर। काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच डोमिनो एंड फिल इन द टोटल। आपने यहाँ पे टू टू बॉक्सेस दिए हुए हैं, हर बॉक्स में कितनी डॉट्स हैं वो काउंट करके नीचे राइट करनी है और फिर उनको ऐड करना है। जैसे फर्स्ट टू बॉक्सेस को देखिए आप, फर्स्ट बॉक्स में थ्री डॉट्स हैं तो नीचे ब्लैंक में थ्री राइट कर देंगे, प्लस नेक्स्ट बॉक्स में टू डॉट्स हैं तो सेकेंड ब्लैंक में आप टू राइट कर देंगे, थ्री प्लस टू को ऐड कर देंगे, कितना आ गया? थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे सॉल्व करने। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट नंबर नेम्स एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं और नीचे नंबर नेम दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स, ठीक है। आपको इनका नंबर का जो भी नंबर नेम है वो नीचे बॉक्स में राइट करना है। जैसे फर्स्ट क्या है? टेन। तो यहाँ नीचे जो बॉक्स स्पेस है यहाँ पे आपको 10 की स्पेलिंग राइट करनी है। ऐसे ही आपको सभी नंबर्स के नीचे इनकी स्पेलिंग्स राइट करनी है। नेक्स्ट इज शेड और कलर द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 9 स्क्वेयर्स बने हुए हैं। इन 9 स्क्वेयर में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है ईच स्क्वेयर में, हर स्क्वेयर में आपने स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है? कलर करना है। नीचे है ऑर्डर द फॉलोइंग नंबर सेट्स फ्रॉम द बिग टू स्मॉल। इन नंबर्स को आपने बिग टू स्मॉल मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बिग टू स्मॉल, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। आपको ये जो नंबर्स हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। नेक्स्ट इज सर्कल द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 30, 32, 34, 36, 38। नाउ नेक्स्ट बॉक्स इज ब्लैंक। आगे दो नंबर्स हैं 36, 40। अब इनमें से जो भी राइट आंसर है आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे आप देखेंगे 30, 32, 34, 36 ये स्किप काउंटिंग है, ठीक है। और काउंटिंग क्या है? बीच में 1-1 नंबर लीव किया हुआ है। 30 के बाद 31 लीव कर दिया, 32 के बाद 33 को लीव कर दिया, 34 के बाद 35 लीव कर दिया, 36 के बाद 37 लीव कर दिया, अब 38 के बाद 39 लीव करके क्या नंबर आ जाएगा? वो आप इस बॉक्स में राइट कर देंगे। ऐसे ही आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट ईवीएस वर्कशीट्स आर देयर। फर्स्ट इज अबाउट मी। यहाँ पे आपको अपने बारे में क्या करना है? इंफॉर्मेशन फिल करनी है। नीचे देखिए पेस्ट योर पिक्चर, यहाँ पे आप अपनी स्मॉल पिक्चर पेस्ट करेंगे और ऊपर ये सारा आई एम सर्कल दिया हुआ, डैश ईयर ओल्ड, कितने ईयर्स ओल्ड है, माई फ्रेंड्स आर, नीचे बॉक्स दिया हुए हैं। यहाँ पे अपने आप फोर फ्रेंड्स के नेम राइट कर सकते हैं, आई लिव इन, कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे आई लाइक टू वॉच, टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं, माय फेवरेट कलर, योर फूड, एनिमल, ठीक है। आप अपने फेवरेट कलर, फूड और एनिमल राइट करेंगे। नेक्स्ट फेवरेट एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप अपनी 5 फेवरेट एक्टिविटीज़ राइट कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। नेक्स्ट बुक्स, आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी है। नेक्स्ट व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी,
आप जब बड़े हो जाएंगे तो क्या बनना चाहेंगे, इस बॉक्स में राइट करना है। आई एम गुड एट, आप क्या करने में अच्छे हैं, कौन सा काम करने में एक्सपर्ट हैं, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये क्या है, अबाउट मी, यहाँ पे आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। नेक्स्ट इज हेल्दी एंड जंक फूड। इन द गिवन बॉक्स राइट एच फॉर हेल्दी फूड एंड जे फॉर जंक फूड। ठीक है, यहाँ पे 9 पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें हेल्दी फूड भी है और जंक फूड भी है, और साइड में स्मॉल स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स बने हुए हैं। अगर वो फूड हेल्दी है तो आपको उस बॉक्स में एच राइट करना है, अगर वो अनहेल्दी है, जंक फूड है, तो आपको उसमें जे राइट करना है। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ग्रो, ईट, मूव और प्रोड्यूस देयर यंग वंस। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जो ब्रीथ नहीं करती, सांस नहीं ले सकती, ग्रो, जो बढ़ नहीं सकती, ईट, जो खा नहीं सकती, मूव, जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, और प्रोड्यूस देयर यंग वंस, और अपने यंग वंस को बर्थ नहीं दे सकती। ठीक है, सर्कल द नॉन लिविंग थिंग्स एंड राइट देयर नेम। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको आप क्या करोगे, सर्कल करोगे, और नीचे क्या है, लाइंस लगी हुई हैं, ब्लैंक बने हुए हैं, और उन नॉन लिविंग थिंग्स के नेम इन ब्लैंक्स में राइट करोगे, और साइड में है ड्रॉ टू नॉन लिविंग थिंग्स यू सी, और कोई भी आपको यहाँ पे टू नॉन लिविंग थिंग्स ड्रॉ करनी है, स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, ये नहीं करनी जो ऊपर दी हुई है, इनसे डिफरेंट कोई और टू नॉन लिविंग थिंग्स की पिक्चर आपको क्या करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द बॉक्स। ठीक है, नीचे हेल्प बॉक्स बना हुआ है, लिसन, सी, टच, टेस्ट, स्मॉल, और साइड में आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं हेल्प के लिए, तो आपको इन बॉक्स में ये वर्ड्स फिल करने हैं, वी डैश विद आर नोज। ठीक है, नोज बना हुआ है, आप नोज की हेल्प से क्या करते हैं, तो इसके अंदर आपको फिल करना है। ठीक है, नोज की हेल्प से, फिर आईज की हेल्प से, ईयर्स की हेल्प से, टंग की हेल्प से, हैंड्स की हेल्प से, आप क्या क्या करते हैं इन बॉक्सेस में, आपको हेल्प बॉक्स की हेल्प से फिल करना है। नेक्स्ट, जीके वर्कशीट्स आर देयर। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउसेस, फिल इन द ब्लैंक्स। हाउसेस की पिक्चर्स दी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस आर देयर, और नीचे आपको क्या है, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, हेल्प बॉक्स में इन हाउसेस के नेम राइट हैं, आपको पिक्चर को रिकग्नाइज करके हेल्प बॉक्स की हेल्प से इन हाउसेस के क्या करने हैं, नेम राइट करने हैं। नेक्स्ट इज मैच द एनिमल विद देयर साउंड्स। एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है और सेंटर में उनकी साउंड्स दी हुई हैं। ओके, कौन से एनिमल की साउंड कौन सी होती है, आपको उस एनिमल को उस साउंड के साथ मैच करना है। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं और सामने क्या है, बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको इन पिक्चर की हेल्प से इन बॉक्सेस को फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए, माई हाउस इज नियर अ, ये पिक्चर किसकी है, पॉन्ड, पॉन्ड की पिक्चर है ये, तो आप इन जो 4 बॉक्सेस हैं इसमें पॉन्ड की स्पेलिंग राइट कर देंगे। माई हाउस इज नियर अ पॉन्ड, पी, फर्स्ट बॉक्स में पी, सेकेंड में ओ, थर्ड में एन, फोर्थ में डी, ऐसे ही आपको इन पिक्चर्स की हेल्प से इन बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1-1 वर्ड राइट करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्कशीट्स आर देयर। ए पार्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनमें जो भी टिक करेक्ट आंसर है उस पर टिक भी करना है और फर्स्ट ब्लैंक में फिल भी करना है अगर ब्लैंक दिया हुआ है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स हैं, अगर सेंटेंस ट्रू है तो आप टी राइट करेंगे, फॉल्स है तो एफ राइट करेंगे। मैच द फॉलोइंग, कंप्यूटर पार्ट्स दिए हुए हैं, कंप्यूटर
पिक्चर्स दी हुई हैं और आगे वर्ड्स राइट हैं, इनको आपने मैच करना है. नेक्स्ट इज ए पार्ट इज राइट आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइसेस. क्या थ्री टाइप्स के डिवाइसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अगर वो इनपुट डिवाइस है तो उस नीचे बॉक्स दिए हुए हैं जो उनमें आई राइट करना है. अगर वो प्रोसेसिंग डिवाइस है तो पी राइट करना है. अगर वो आउटपुट डिवाइस है तो ओ राइट करना है. कंप्लीट द गिवन वर्ड्स. आपको इन ब्लैंक्स की हेल्प से मिसिंग लेटर्स को फिल करना है और वर्ड को कंप्लीट करना है. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. इनकी तीनों की DVD, VDV एंड CD, इनकी आपको फुल फॉर्म राइट करनी. सो डियर चिल्ड्रन, ये आपकी वर्कशीट्स थी सभी सब्जेक्ट्स की. आपको क्या करना है, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इस PDF के आपको प्रिंट आउट निकलवाने पड़ेंगे. ठीक है, आप इनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं किसी भी शॉप से और आपको ये वर्कशीट इन्हीं में कंप्लीट करनी है. ओके.